हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व का गिरधार श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदी सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्मा श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणा में परम आराध्य तन त्रिला परिष्ण विष्णुपाद इक्ष्वाकु श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्रिला परिष्ण विष्णुपाद इक्ष्वाकु श्री श्रीभक्त दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रिला परिष्ण विष्णुपाद इक्ष्वाकु श्री श्रीभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सचिदानंद भक्त विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदी विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चकवती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानुगुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ चढ़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सारी गौर भक्त वृंद की जय। गंगा मैया जमुना मैया सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज के सर्वविनाशन कर ऋषि नरसिंह भगवान की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय नित्रिला परिष्ठ विष्णुपाद इक्ष्वाकु श्री श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्रिला परिष्ठ विष्णुपाद इक्ष्वाकु श्री श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्ठ विष्णुपाद इक्ष्वाकु श्री भक्ति सनत त्रिविक्रम महाराज की जय। नित्रिला परिष्ठ विष्णुपाद इक्ष्वाकु श्री श्री भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्ठ विष्णुपाद इक्ष्वाकु श्री श्री भक्ति निकेतन तुजस्वी महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद तिंडीपाद खन की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पद कमलां श्री गुरु न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागर जातां सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। अपराध क्षमा करो जय गुरुदेव परम दयालु जय गुरुदेव परम कृपालु जय गुरुदेव परम करुणामयी जय गुरुदेव। अपराध क्षमा करो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। सेवा अधिकार दहो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरि नामे रुचि दहो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह गुरुपाद पद पतित पावन परम करुणा में परम आराध्य तम त्रिला परिष्ट विष्णु पाद सवाठ श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी यही ती कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। उच्च पाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी अहिति कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव शिक्षा गुरुवर में प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु भक्तविंद मातृविंद पितृविंद सभी के यथा संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हों। हम लोग श्रवण कर रहे हैं जीव का वास्तविक नित्य धर्म क्या है और अन्य जीवों के प्रति अन्य अन्य लोगों के प्रति किस प्रकार से व्यवहार किसका होना चाहिए उसके विषय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि जो प्रश्न किए थे कनिष्ठ अधिकारी देर पाप पुण्य प्रवृत्ति की रूप लास्ट में दर्शन कर्म श्रवण किया था कि कनिष्ठ अधिकारी के जो पाप और अपराध तद थकते पारे कि ना ये सब चर्चा हमारा करे किए थे हम लोग। हम लोग आगे श्रवण करेंगे। उसके पहले आप लोगों से प्रार्थना कि आप लोग पेज को फॉलो करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें शेयर करिए जिससे लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। नित्यानंद प्रभु प्रश्न किए थे उनसे कि कनिष्ठ अधिकारी देर पाप पुण्य प्रवृत्ति की रूप यानी जो कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति हैं कनिष्ठ भजनानंदी हैं भजन करने वाले हैं उनका जो पाप पुण्य है उसमें किस प्रकार से प्रवृत्ति है उसके उत्तर में हरिदास बाबा जी महाराज बताते हैं कि प्रथमा अवस्था है कर्मी गानी देर न्याय समान जतो भक्ति प्रति उन्नति है तत तो ही पाप पुण्य प्रवृत्ति दूर है। कल हम लोगों ने श्रवण किया था इसका कि जब वह श्रद्धा उदित होता है
विश्वास उदित होता है, सदगुरु चरण आश्रय ग्रहण करता है, भजन मार्ग में जब वो जाता है तब वह प्रथम अवस्था होती है उसकी, और वहाँ से वो उसके अंदर कर्मी ज्ञानी की जो उसके अंदर जो दुनिया की मायावादी जो भरी हुई चीज़ है वो समान रूप से है, उसके जैसा समान है। तो जतो भक्ति प्रति उन्नति है, भक्ति के प्रति उसकी जितनी उन्नति होती है तत्व ही पाप पुण्य प्रवृत्ति दूर है। जो पाप प्रवृत्ति पाप और पुण्य में जो उसकी प्रवृत्ति है, जो लगाव है, जो आसक्ति है, वह जो है जैसे जैसे उसके भजन में उन्नति होती रहती है उसी प्रकार से जो है पाप पुण्य भी दूर होता जाता है। भगवत परितोष प्रवृत्ति प्रबल है, और भगवान की जो संतोष विधान के लिए प्रवृत्ति उसके अंदर प्रबल होती रहती है। नित्यानंद प्रभु प्रश्न करते हैं, प्रभु कनिष्ठ अधिकारी कथा बुझलाम, मैंने कनिष्ठ अधिकारी की बात को तो समझ गया, लेकिन एखन मध्यम अधिकारी मुख लखन आज्ञा कर। जो मध्यम अधिकारी लोग हैं उनके विषय में मुझे कृपा करके बताइए। तब हरिदास बाबा जी महाराज बताते हैं, कृष्णे अनन्य भक्ति, भक्ति आत्मबुद्धि, ममता बुद्धि, इज्ज बुद्धि व तीर्थ बुद्धि सहित मैत्रीय। बोलते हैं कि कृष्ण में उनकी अनन्य भक्ति होती है, और भक्त जो लोग हैं शुद्ध भक्त हैं उनके प्रति आत्मबुद्धि और ममता, उनके प्रति ममता होती है, प्रणाम करने की बुद्धि होती है, और उनके चरणों में तीर्थ है यह समझ करके उनके साथ वह मैत्री करेंगे। अतत्वर प्रति कृपा व विद्वेषी गणेर प्रति अपेक्षा। जो अतत्व जो जानकार व्यक्ति नहीं है, जो कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति हैं उनके प्रति उनकी कृपा होती है। आजकल कृपा तो दिखाई नहीं देता, ज़्यादातर क्या बोलेगा, ज़्यादातर विद्वेष, ज़्यादातर मात्सर्य बुद्धि यही सब दिखाई देता है। इसलिए आजकल जो कनिष्ठ भक्त हैं, जो छोटे भक्त हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। सब जगह जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर जो आप देखेंगे रैंकिंग होती है, सब जगह रैंकिंग होती है। जो भी सीनियर व्यक्ति होता है वह छोटे व्यक्ति को दबाना चाहता है, ऊपर उठाने की चेष्टा नहीं करता है। साधु समाज में भी यह प्रवृत्ति कली के प्रभाव से आ चुका है। जो छोटे व्यक्ति कुछ करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, उनको किस प्रकार से दबाया जाए मात्सर्य बुद्धि यह नहीं जा रही है। इसलिए ऐसे जो लोग हैं उनसे क्या उम्मीद किया जा सकता है, कुछ उम्मीद क्या नहीं किया जा सकता। इसलिए जो कनिष्ठ भक्त हैं, हमने कल सुना कि ऐसे ऐसे लोगों का संग करके ही जो कनिष्ठ भक्त आते हैं संसार छोड़ करके, माँ बाप को छोड़ करके, दुनिया को छोड़ करके मठ में आते हैं सेवा करने के लिए, और वह हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारे सब कुछ कथा वार्ताओं को सुनते हुए उनकी चित्त वृत्ति पत्थर के जैसा हो जाती है, और वह मठ छोड़ के चले जाते हैं। कल हमने सुना
तो ऐसे व्यक्ति अगर कोई मठ छोड़ के जाता है तो उसको लोग बोलते हैं वैष्णवों के चरणों में अपराध किया इसलिए चला गया। हम खुद की दोष नहीं देखना चाहते कि हमारी दोष क्या है, हम कितने दोषी हैं। हमारे गुरु महाराज गोकुल में कुछ लोग आकर के मठ में विग्रह खंडित कर दिए। गुरु महाराज को पता लगा, गुरु महाराज रोने लगे कि हमारे अपराध के कारण ही ऐसा हुआ है। गुरुजी सब समय अपने दोष देखते थे कि हमारा दोष है, हमारा दोष है, किसी का दोष नहीं देखते थे। आज पर्यंत जब तक गुरुजी थे धरती पर तब तक कोई उनको एक भी रत्ती कोई नहीं बोल सकता कि किसी के दोष को गुरु महाराज देखे हों। लेकिन आजकल खुद के दोष